हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं भुना चिकन की एक बेहतरीन सी रेसिपी, जिसे बनाने में आपको सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च, लौंग, 2 हरी इलायची, और इन सबको अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये सब चीज़ें जब फ्राई हो जाएं, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज ली थी, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ऑयल में फ्राई करेंगे। तो देखिए, प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। उसके बाद चिकन को अच्छे से चला देंगे इसमें। अब हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है। इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 6 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। तो चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। स्टेज पर हम डालेंगे नमक और कुछ मसाले। मैंने हल्दी ली है, थोड़ा सा गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर लिया है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उन्हें चॉप करके डाल दिया है। मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को। इसके बाद एक प्याज का पेस्ट है, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। इसे भी मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये जो रेसिपी है इतनी ज़्यादा आसान है ना, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो आपका जब भी चिकन खाने का मन करे, आप ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे और अपने मसालों को अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे चिकन में अच्छे से बॉईल आ गया है। एक बार इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी दही लिया है, उसे ऐड कर देंगे। अब जब भी दही ऐड करें चिकन में, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे ऐसे ही खोल कर पकाएंगे। इसे पकने में अब तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो 5-7 मिनट बाद ये देखिए, हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। जो ऑयल है वो मसाले से अलग हो गया है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से कुक हो रहा है। इसको 2-3 मिनट और ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए, हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल मसाले से अलग हो चुका है, यानी कि हमारा चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है। तो 20 मिनट में ये लजीज चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है। बस अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो इसे मैंने निकाले एक बोल में। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस लजीज चिकन को ज़रूर इंजॉय करें। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छा अच्छा खाना खाते रहिए।